गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अभी मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूं, यूनिवर्सिटी भी जा रही हूं। कैसे पूरा दिन मैं स्पेंड करती हूं, मेरा क्या क्या करती हूं, आई टेल यू एवरीथिंग। क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये, क्योंकि पार्ट टाइम, यूनिवर्सिटी, देन घर का काम, सो इट्स वेरी हेक्टिक। एंड लेट्स स्पेंड माय होल डे टुगेदर एंड आई शेयर यू एवरी लिटिल थिंग ऑफ माय डे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ए डे इन माय लाइफ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ज़रूर देख लेना। और लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। सो आई एम रेडी फॉर माई वर्क, लेट्स गो। अभी बज रहे हैं 6 और देखते हैं फिर बस पकड़ना है, लेट्स गो। घर से अभी निकल चुकी हूँ मैं और बस स्टैंड पे ही बस का वेट कर रही हूँ। लेट्स सी, बस भी अभी 3 मिनट में आने वाली है, सो लेट्स वेट फॉर बस। तो जब मैं जॉब में जाती थी, इंडिया में थी, और मुझे कभी कभी सुबह जल्दी जाना पड़ता था, लाइक 5 बजे या फिर 5:30 बजे घर से निकलना पड़ता था। और मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, बहुत। सो माय ब्रदर यूज़ टू आस्क मी 1 day बिफोर दैट कल कितने बजे जाने वाली है। इफ आई सेड दैट कि मुझे जाना है 5:30 बजे, 5 बजे या फिर 6 बजे, ही ऑलवेज लाइक कि ठीक है मला उठो, मम्मी तुला सोडा दे। आणि म्हणजे माझ्या मम्मीला पण बोलायची गरज नाही लागायची माझ्या भावाला, मुझे छोटा भाई है, और वो मुझे बोलता था कि मैं देखो छोड़ने आऊँगा क्योंकि मुझे कुत्तों से डर लगता है। और हमारे एरिया में बहुत सारे कुत्ते थे, सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड एट दैट टाइम। और आज का एक दिन है, मतलब अभी जब मैं पार्ट टाइम जाती हूँ तभी अभी के दिन है ये, कि जब मैं अकेली जा रही हूँ। आई मिस हिम अ लॉट क्योंकि बहुत याद आ रही है उसकी अभी। दिस वॉज अ डे, लाइफ बहुत चेंज हो जाती है जब आप घर छोड़ देते हो और आप एक अलग दुनिया बना देते हो। अभी वेट कर रही हूँ, दिस इज़ द बस और उसको 5 मिनट अभी बाकी है, बट मुझे बाहर ही वेट करना पड़ेगा। जब 1 मिनट बाकी होगा तब ड्राइवर ओपन करेगा डोर और तब मैं अंदर जा सकती हूँ। इंडिया जैसा नहीं है कि बस लगा है तो जाओ बैठो, ऐसा नहीं है। सो आई रीच्ड एट द प्लेस। ये जो जगह है ये मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, इट्स रियली हॉरर। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ठीक है। ओके, तो अभी मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी जहां पे मेरे को जाना है, और उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली शिफ्ट का ख़त्म होने के बाद मिलूंगी। सो टिल देन स्टे ट्यून। ये कुछ ऐसा दिखता है दिन में और रात में कितना भयानक दिखता है ये। अभी मैं निकल चुकी हूँ, अभी मैं निकल चुकी हूँ, अभी घर पे जाना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी निकलना है। लेट्स गो। उसके बाद यूनिवर्सिटी भी जाना है। सो आई एम रेडी फॉर यूनिवर्सिटी। ओके, सो आज मेरे सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट डे है, तो हमने डिसाइड किया है कि आज हम पॉटलक करेंगे। उसमें मैंने लिया है नमकीन और मूंग दाने बनाया
लेट्स सी आई एम गोना गेट द रिएक्शंस कि कैसे उनको लगता है इंडियन स्नैक्स एंड हलवा. आई विल शो यू दैट इन वीडियो. बाय. सो अब मैं अभी निकल चुकी हूँ यूनिवर्सिटी के लिए. एज यूजुअल आई एम लेट. लेट्स सी अभी जल्दी जाना है. बाय. तो अभी बज रहे 5:30 और लेक्चर भी ख़त्म हो गया मेरा और पार्टी भी ख़त्म हो गई है. तो अभी जाना है घर पर. लेट्स गो. इट्स टाइम फॉर डिनर. आज बहुत थक गए तो वी मेड ओनली अंडा भुर्जी ब्रेड. हाँ दे आर मेकिंग डिनर और मैं अभी खा रही हूँ. सो अभी खाना हो चुका है और अभी मैं सोने जा रही हूँ. अभी बज रहे हैं रात के 11:30 बज रहे हैं. दिस इज़ द होल डे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. एंड जब पार्ट टाइम होता है यूनिवर्सिटी होता है सारा दिन पूरा पैक रहता है आपका और तो पूरा दिन हेक्टिक जाता है और आई कांट इवन एक्सप्लेन. बट हाँ दिस वॉज द डे एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. मेक श्योर गाइज प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. बाय.